सलाम अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी डेली जो भी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। अच्छा जी, ये व्लॉग मैंने बनाया था कल सैटरडे को, और कल था फन फेयर स्कूल में, तो वहाँ पर हम लोग गए थे। और ये व्लॉग मैंने सुबह ही स्टार्ट कर लिया था, तो हम लोग तकरीबन 8:30 घर से निकले थे, और यहाँ पे ना 9:30 का आई थिंक टाइम था। और मैं मरियम के साथ ही गई थी मैं, तो यहाँ पे बस प्रिपरेशंस चल रही थी और टाइमिंग तो ये थी, बट थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग बस स्कूल के बैक डोर से निकल रहे थे, और सामने पार्क में था फन फेयर, वहाँ पे अरेंजमेंट्स की हुई थी, तो बस हम लोग वहीं पे जा रहे थे। तो चले तो हम लोग गए थे, लास्ट टाइम ये हुआ था कि टीचर्स ने स्टॉल लगाए थे, बट इस टाइम ना स्टॉल्स बाहर से ही बुलाए थे और सब भी इंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पे भी ना प्रिपरेशंस चल ही रही थी, कुछ ना कुछ रहता था तो वो हो ही रहा था साथ साथ। और अभी स्टॉल्स भी लग रहे थे, अभी सिर्फ ये टेंट वगैरह लगे थे और ये चेयर्स आई थी, तो बच्चे तो माशाल्लाह इंजॉय कर रहे थे और फन फेयर बस स्टार्ट होने वाला था। किस तरह करना है इसको पता नहीं, मैंने खोल दिया। ये तो वो पटाखे से है ना, इसको खोलता है तो इसके ऊपर से वो निकलती है। क्या निकलती है? मैं फौजिया ले यहां से। वाकई उन्होंने दसिया वा। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहला स्टॉल था जो मैम फौजिया ने लगाया था, टीचर्स में से उन्होंने ही स्टॉल लगाया था, और वो माशाल्लाह इतनी क्रिएटिव हैं, उनके बच्चे भी आगे वैसे ही क्रिएटिव हैं। तो उन्होंने ये कुछ चीज़ें खुद बनाई थी, बहुत प्यारी प्यारी, ये छोटी सी डायरीज थी, साथ में कुछ टॉयज थे जो उन्होंने बाहर से ले लिए थे, की रिंग्स और सब कुछ ही था उसमें इंक्लूड। और उसके अलावा उन्होंने आर्ट वर्क में काफ़ी चीज़ें की थी, फेस पेंटिंग थी मेन स्टॉल पर, फेस पेंटिंग थी, और ज़्यादातर ये छोटे छोटे टॉयज थे, और ये वो थी सिमसिम जिन्हें हम कहते हैं, छोटी छोटी बॉल्स थी जो पानी में डालो तो फूल जाती हैं, और साथ में इनके ना वो होती है छिपकली या ऐसी कोई चीज़ होती है, वो भी बोलते हैं इंसेक्ट होते हैं। तो उसके अलावा काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी इनके स्टॉल्स का, वीडियो शूट कर रहे थे। साइम वो लेके आओ, एक बोर्ड है वो जो बड़े वाला बोर्ड नहीं, हाथी खेलने वाले ही वैसे, मैं भी वैसे हाथी कोई वो नहीं है, वो हमारा है साइम, ये कार्ड तुम्हारे, वो सेल्फी का बोर्ड है जी, वो इधर आओ स्टैंड कार्ड दे दे अपने, और वो एक कैसे पे करो मजे के ना, हां बहुत मजे के, मम्मा ने यार इतनी चा पांच है इसमें, अभी मैंने पूरे नहीं खोले, आई वो हल दिखाएं मैं बाबा नहीं निकल गए, परिता पापा में जाऊं यार, ग्लास भी बनाया है कशम, करो करो ये खोल के रखती है, हमने बड़ी मेहनत की है फौजिया, सारी हट्टी मैम को जो मैम को उठा के ना भाग जी, इधर करो उधर आ गई ना, मैम उठा के ना भाग जी, लोकल टिकट मैम आगे आगे कर ले, देना ट्रेन डाकू, डाकू मैं डाकू, मैम इसका हाथ है वो मेरा बोर्ड उतर गया फेस पेंटिंग वाला, पता नहीं क्या लगा नी जड़ी थी है कितना चार्ट, अच्छा जी, तो यहाँ पे बस जंपर रेडी हो रहा था, और इसमें ना हवा भरी जा रही थी, और यहाँ बस तकरीबन ये रेडी हो ही चुका था, और ये वीडियोस बनाई थी मिस मरियम ने अपने आईजी के लिए।
यहाँ पे ना तकरीबन स्टॉल्स भी आ ही चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ कंप्लीट हो रहा था और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। हम सबको बहुत मज़ा आया और मैंने तो स्पेशली बहुत इंजॉय किया। तो जब मैंने स्कूल छोड़ा तो मैं कल गई थी, बस कुछ सेमेस्टर सिस्टम होता ही ऐसे है, ऐसे गुजर गया, टाइम का पता ही नहीं चला। तो मुझे कल टाइम मिला था, कल मैं गई थी। अच्छा जी, पीछे चल रहे हैं सॉन्ग, तो मैंने यहाँ पे ना वॉइस ओवर ही कर लिया कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। वो ना उसको रिमूव करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कितने की है अगर कितने की आपसे पैसे थोड़े लेंगे? नहीं, ऐसे नहीं, बाद में दे देना। नहीं, के बाद जो खाएंगे ना उसके पैसे दे अंकल। एक प्राइस की भी प्लेट दे दे, पैसे ले अंकल पहले, पहले पैसा फिर माल। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने फ्राइज समोसे और फ्राई, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे दो कप्पों के बाद, हम लोगों ने दो कप्पे लिए और यहाँ पे हम लोगों ने ग्रीन फ्राई किए और उसके बाद फिर एक फ्लेवर आ गए थे और आगे म्यूजिक तो नहीं लगा सकते क्योंकि मुझे आ गए
हाँ ठीक है, मैंने अपने भी करवा। ठीक है, जी तो आप बताएं आपने एंजॉय किया? जी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने, और गला बिल्कुल बंद हो चुका है, और बहुत ज़्यादा शदीद नज़ा ज़ुकाम हो रहा है, घर जाके पता चलेगा, लेकिन बहुत अच्छा दिन गुजरा, बहुत एंजॉय किया। अब आप क्या सुनना चाह रही हैं? तो जी यहाँ पे हम लोग जा रहे थे वापस घर, और रास्ते में थे बस, तो बस व्लॉग का मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर जाते जाते व्लॉग शूट कर लिया जाए। मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।